बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके फिजिकल प्रोसेस इतनी मैटर नहीं करती। मैं ऐसी कंपनीज को जानती हूँ जो इतनी फेमस नहीं है या किसी फांग टर्म में नहीं आती हैं, लेकिन आज भी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 20 से 25 का बेस देती है। तो बेस्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी उसका जो अच्छा पार्ट है वो तो हमें मिल ही रहा है, और जो उसका बुरा पार्ट है वो हमारे हाथ में है कि हमें कैसे मेंटेन करना है। हाय, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है। आज की वीडियो एक मिनट का ज्ञान नहीं है। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई यू शुड बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए है कि आपको ऐसा फील होगा कि चलो यार थोड़ी मेहनत कर ही लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ही जाता हूँ बिकॉज ऑफ सो एंड सो बेनिफिट्स। तो आज की वीडियो में हम बेनिफिट्स गिनवाने वाले हैं। बेसिकली पहले ये बेनिफिट्स से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रिमोट वर्क। इस कोविड सिचुएशन के बाद दुनिया भर को ये रियलाइज हो गया है कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके काम के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ों की जरूरत है, विच इज लैपटॉप एंड इंटरनेट, एंड योर वर्क विल बी डन। आपकी कोई साड़ी की दुकान नहीं है या आपकी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस नहीं है जिसमें आपकी फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है, या आपको गले पे बैठना ही होगा, या आपको ये चीज़ें हैंडल करनी होगी। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी फिजिकल प्रेजेंस इतनी मैटर नहीं करती। तो आजकल लोग जनरली क्या करते हैं कि पहाड़ों पे चले जाते हैं, दिन में वादियां देखते हैं और रात में अपना काम करते हैं, या जिन लोगों को अपनी फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट है वो अपनी फैमिली के साथ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम लेके अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं और काम करते हैं, यही सब चलता रहता है, राइट। तो रिमोट वर्क से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। सेकेंड चीज़ इज़ हाई डिमांड। जब से ये टेक्नोलॉजिकल बूम आया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, ऊपर से स्टार्टअप्स भी आने लगे हैं। तो भाई जो स्टार्टअप खोलेगा उसको अपनी ऐप बनवानी है, वेबसाइट बनानी है, अपना किसी भी तरह से प्रोडक्ट को रिलीज करना है, लॉन्च करना है, या बेसिकली उसको इंजीनियर्स की ज़रूरत है, राइट। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है इंजीनियर्स की। तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलना बाकी और प्रोफेशंस के मुकाबले ईजी हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हाई सैलरी। आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि मैडम जी खुद तो आप माइक्रोसॉफ्ट में जाके बैठे हुए हो तो आप सैलरी पे तो ज्ञान ना ही पे लो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि आजकल जो नॉन फैंग कंपनीज हैं, जो नॉन फेमस कंपनीज हैं, वो भी एक इंजीनियर को बहुत अच्छी सैलरी देती है एज़ कम्पेयर टू द टाइम, अगर हम 3 साल या 4 साल पहले की बात करें तो। मैं ऐसी कंपनीज को जानती हूँ जो इतनी फेमस नहीं है या किसी फांग टर्म में नहीं आती हैं, लेकिन आज भी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 20 से 25 का बेस देती है, 20 से 25 लाख का बेस देती है, राइट। तो कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज आ रही हैं, कुछ स्टार्टअप्स आ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं कि ऑल इन ऑल अगर इन जनरल मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है बेसिकली, राइट। फोर्थ पॉइंट है लर्निंग ग्राफ। आपको बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि मुझे तो दुनिया जहान की नॉलेज है और मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, या मेरे पास तो अब कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं और अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा बिकॉज मैं कुछ नया सीख ही नहीं रहा। इस फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप चाहें तो। ऑब्वियसली अगर आप नहीं चाहते, आप सेम वर्क करके खुश हैं, आप सेटल लाइफ जीना चाहते हैं, आप लर्न नहीं करना चाहते, तो ये आपकी विश है। बट ऑल इन ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, आप हर रोज़, और वैसे भी टेक्नोलॉजी लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा चेंज होती जा रही है, इतनी ज़्यादा एडअप होती जा रही है कि आपके पास बहुत कुछ है लर्न करने के लिए। और अभी तो किसी ने भाई लैंग्वेज करके भी कोई लैंग्वेज बनाई है, तो लोगों को चुल्ला है यार, कुछ भी कुछ डोमेन, कुछ भी कुछ टेक्नोलॉजी बनाते ही रहते हैं आपको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज मल्टीपल सब डोमेन्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट कि आप वेबसाइट डेवलपर हो या ऐप डेवलपर, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको किस पर्टिकुलर डोमेन में जाना है, किस पर्टिकुलर डोमेन में आपको इंटरेस्ट आता है, वो आप डिसाइड करके उसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड से स्टार्ट कर लो, आपको फ्रंट एंड नहीं पसंद आता, बैक एंड स्टार्ट कर लो, आपको लगता है आपको दोनों ही हल्का फुल्का पसंद है, स्टैक में चले जाओ, या फिर आपको एक
एंड्रॉयड वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में चले जाओ, iOS डेवलपमेंट में चले जाओ, OS डेवलपमेंट में चले जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको किस सब डोमेन में जाना है, इसके आप ट्राई इंटरेस्ट करो, अपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करो और ज्वाइन कर लो। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स की बात। अब इन सारी चीज़ों की बात लोग ये भी कह सकते हैं कि भावना ठीक है ये सारी चीज़ें कि ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है फलाना है ठिकाना है, बट ये क्योंकि एक सिटिंग जॉब है उस वजह से मेरा नेक पेन, मेरा बैक पेन और ये सारी चीज़ें या ये सब इश्यूज रहते हैं, इन सब का क्या करूँ। तो देखो जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हमने अच्छे की बात कर ली तो ऑब्वियसली कुछ बुरा भी होगा, क्योंकि ये सिटिंग जॉब है तो आपको ये चीज़ें होंगी। आपको लगता है कि एक घंटों घंटों बैठने वाली जॉब है, तो कौन कह रहा है आपको कि आप लगातार बैठो। अब दो घंटे बैठो फिर एक राउंड मार के आओ, फिर दो घंटे बैठो फिर एक राउंड मार के आओ, राइट। अब चीज़ों को, ये वाली चीज़ें तो आपके खुद के हाथ में है कि आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसकी, उसका जो अच्छा पार्ट है वो तो हमें मिल ही रहा है, और जो उसका बुरा पार्ट है वो हमारे हाथ में है कि हमें कैसे मेंटेन करना है। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इतने बेनिफिट्स है कि हो सकता है हम इस पर पार्ट टू भी बनाएं या हो सकता है ना भी बनाएं। तो इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहती आपसे, और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हम और वीडियोज़ में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।